तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ दो बार मुंतखब रुकने असम्बली हनीफ अब्बासी। चैलेंज तो आपके लिए बहुत सख्त है। यकीनन मुकाबला तो है, और लेकिन हम अपनी कंपेन से मुतमिन हैं। दो बार उसका MLA मुंतखब होना उसके क्रेडिट में नहीं जाता। इमरान खान चुके अभी लैंड नहीं किया, उन्होंने इनफील्ड लैंड नहीं किया, और अभी जो टॉक ऑफ टाउन है वो यही है कि यहाँ पर जो इलेक्शन कंपेन है वो या हमारी है या जमात इस्लामी। कई लोग ये कह रहे हैं कि बड़े शहरों में पीपल्स पार्टी शायद तीसरे नंबर पर आए, आप अपने आप को किस नंबर पर देखते हैं? ये जो प्रिसेप्शन है एक गुज़श्ता 5 साल से कि पीपल्स पार्टी शहरों में बहुत कमज़ोर हो गई है, ये सरासर गलत बात है। अगर वोट का इलेक्शन हो, वोट के जरिए रिजल्ट निकले, तो मैं आज भी दावा करता हूँ कि पीपल्स पार्टी रावलपिंडी में इनसे ज़्यादा सीटें ले। जाती हवाले से कहा जाता है कि आप पीपल्स पार्टी से कभी राजी और कभी नाराज हुए, अंदरूनी कहानी क्या है? बड़ा साहब, यहाँ मैं एक इलेक्शन लड़ा था इससे पहले, इसके साथ यहाँ मेरा इलेक्शन ऑफिस था, कश्मीर की सीट से लड़ा था, जम्मू 6 से, पूरा पिंडी डिवीजन, NWFP, गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरा एक हल्का बनता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा इलेक्शन इस रावलपिंडी में आज तक कोई नहीं लड़ा। उससे थोड़ा सा एक जो उस वक्त की हमारी एक लीडरशिप थी पिंडी के अंदर, वो खाइफ हो गई थी। क्या मोहतरमा भी आपसे नाराज हुई थी? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ। नाहिद खान खाइफ थी, नाहिद खान इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उस वजह से मुझे और मुमताज़ हुसैन राठौर को, हम पीपल्स पार्टी के दो वाहिद लोग हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी से इन राइटिंग निकाला गया। मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी नहीं, मैंने कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इसके बावजूद मेरा ताल्लुक, दोस्ती, लिखाई पढ़ाई, स्टडी सर्कल्स जो हम अपने तौर पर करते थे, वो पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ हुआ करते थे। वो एक वजह थी जो उन्होंने निकाला। और जब यहाँ मोहतरमा आई तो वहाँ पर वर्कर्स ने शोर किया कि जी उनको जो है वो गलत निकाला गया, तो वहाँ पर मोहतरमा ने यूँ करके पूछा शायद जफर साहब से कि क्या हुआ उनको। तो मीन वाइज सफदर अब्बासी वहाँ से उठ के आए, उन्होंने बीबी के कान में कोई बात कही जो आज तक राज है, फिर उसके बाद जो है वो बीबी खामोश हो गई, वरना बीबी उसमें वो पूछ रही थी कि क्या हुआ उनको। तो बीबी कभी नाराज़ नहीं थी मुझसे, मेरा जो पॉलिटिकल यहाँ पर लोग थे वो कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुए, मुझसे मोहब्बत करते थे, आज भी करते।